प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी जी के इस हेड पर आज हम यहाँ उनको दिल की गहराई से मुबारकबाद देते हैं, और साथ ही हम हमारे स्टेट प्रेसिडेंट मोहतरम रविंदर रेहरा साहब और अशोक कोल जी को जम्मू की थम्बिक जीत पर उनको मुबारकबाद दे रहे हैं। कैसे आप देखते हैं? देखिए, ये नैरेटिव जो पहले ही सेट था कि अब की बार खानदानी पॉलिटिक्स उसको डिफीट देना है, मैं इंजीनियर रशीद साहब को उनकी जीत पे मुबारकबाद देता हूँ। लेकिन साथ साथ इस बात जो कश्मीर के लोगों ने फैसला किया कि दो खानदानों को मुफ्ती और अब्दुल्ला को उन्होंने हरा कर ये जता दिया कि अब खानदानी राज यहाँ चलने वाला नहीं है। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने आज मेजोरिटी की जितनी भी सीट्स है अभी भी पोलिंग हो रही है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की फुल बहुमत से सरकार यहाँ पे बनेगी। उसमें हमारे जो एनडीए के पार्टनर्स हैं उनको साथ लेके हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब तीसरे टर्म में और प्रधानमंत्री बन रहे हैं। जहाँ तक ताल्लुक है जम्मू कश्मीर का, भारतीय जनता पार्टी की झोली में दो सीटें आई है जम्मू से। जहाँ तक ताल्लुक है कश्मीर का, मैं आपको कह दूँ कि कश्मीर में भी हम सेलिब्रेट इस चीज़ का कर रहे हैं कि फॉर्मर सीएम, चाहे महबूबा मुफ्ती हो, उमर अब्दुल्ला हो या कोई और हो, उनकी हार आज हम उसकी खुशी मना रहे हैं। क्योंकि अगर आपको याद हो कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि तीन परिवारों को छोड़ के, तीन पार्टियों को छोड़ के आप किसी को भी वोट डालिए, आज लोगों ने उन डायनास्टी पॉलिटिक्स को रिजेक्ट किया है। उसकी सेलिब्रेशन आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि उमर अब्दुल्ला साहब, महबूबा जी, आज उनकी हार को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी जश्न मना रही है।